please subscribe to my channel MIG Teaching and don't forget to press the bell icon to get the new notification. Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में जमा के बारे में मालूमात हासिल किए थे. चलिए आज हम इसी तरह चौथे संगमेल के पहली जमात के चौथे संगमेल से तफरीख के बारे में यानी निकालने के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. अजीज तलबा, हम जानते हैं कि ये जमा की अलामत होती है, यानी इस अलामत ये अलामत जहाँ होगी हम क्या करेंगे, जमा करेंगे. और ये क्या है, तफरीख की अलामत है. तफरीख की अलामत देखिए कैसी होती है. तफरीख की अलामत एक स्लीपिंग लाइन होती है. तफरीख की अलामत ये अलामत हमें क्या कहती है, ये अलामत हमें निकालने के लिए कहती है, यानी हम इसको लेस करेंगे, तफरीख करेंगे. देखिए यहाँ पर एक मिसाल हमारे लिए दी गई है. यहाँ पर ऊपर कौन सा अदद है, 3, और नीचे कौन सा अदद है, 2. समझिए कि आपके पास 1, 2, 3 किटन्स हैं, यानी छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं. इन 3 बिल्लियों में से आपने 2 बिल्लियों को अपने दोस्त को दे दिए हैं, तो आपके पास कितनी बिल्ली बची. अच्छा, सिर्फ 1 बिल्ली बच गई, यानी एक छोटा सा किटन आपके पास रह गया. चलिए इसी तरह हम दूसरा मसला भी हल करते हैं. यहाँ पर देखिए ऊपर कौन सा अदद है, 5, और नीचे कौन सा अदद है, 4. हमारे पास कुल 5 सुराही हैं. ये देखिए मिट्टी की सुराहियाँ हैं, कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 सुराहियाँ हैं. इसमें से यहाँ पर देखिए सुराहियाँ टूट गई हैं. कितनी सुराहियाँ टूट गई हैं, 1, 2, 3, 4, कुल 4 सुराहियाँ हमारे पास टूट गई हैं. तो सिर्फ कितनी सुराही अच्छी सही सलामत है, अच्छा सिर्फ 1 सुराही हमारे पास सही सलामत और अच्छी हालत में बाकी है. तो 5 में से हम 4 को तफरीख करेंगे तो हमारा जवाब क्या होगा, 1, यानी 5 में से 4 निकल गए तो 1 बचेगा. और यहाँ पर देखिए 5 तफरीख 2, ये देखिए अलामत है. कैसी अलामत है, तफरीख की अलामत, यानी ये अलामत हमें निकालने के लिए कहती है. देखिए यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं और नीचे 2 हैं, यानी हमारे पास कुल 5 सेब हैं. देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 5 सेब हैं. इन 5 सेबों में से अगर हमने 2 सेब खा लिए तो हमारे पास कितने सेब बचे, 1, 2, 3, तो हमारे पास सिर्फ 3 सेब बच गए, यानी 5 में से 2 को तफरीख करने पर, 2 को निकालने पर हमारे पास 3 बचेगा. अच्छा, और यहाँ पर देखिए फूल हैं, खूबसूरत से फूल, ऊपर कितने फूल हैं, 1, 2, 3, 4, 4 फूल हैं, और नीचे कितने फूल हैं, 1, 2, 3, यानी 3, यानी 4 फूलों में से अगर 3 फूल मुरझा गए तो कुल कितने फूल बचेंगे हमारे पास, यानी सिर्फ 1 फूल बचेगा. ठीक है, तो 4 में से अगर हम 3 को तफरीख करेंगे तो हमें हासिल क्या होगा, 1 हासिल होगा. अब यहाँ पर देखिए 5 है, 5 और तफरीख 1, यानी ऊपर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 कपसासर्स हैं और नीचे 1 है, यानी इन 5 कपसासर्स में से अगर हम 1 को निकाल दें तो हमारे पास कितना बचे, 4, यानी हमारे पास अगर 5 कपसासर में से 1 कपसासर हमने गलती से तोड़ दिया तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4. देखिए 1, 2, 3, 4, अगर 1 गलती से निकल गया तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4. तो 5 में से अगर 1 को तफरीख करेंगे तो हमें 4 हासिल होगा. यहाँ पर देखिए ये क्या है, चिराग है, 2, 1 और 2,
दो चराहे। अगर दो चराहों में से एक चराह बुझ गया तो हमारे पास कितने चराह बचेंगे? ओनली वन। यानी दो में से अगर एक को तफरीक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक बचेगा। इसी तरह यहाँ पर क्या है, तीन है, यहाँ पर तफरीक एक है। यानी अगर यहाँ पर तीन घर हैं, इन तीन में से अगर एक घर टूट गया तो हमारे पास कितने घर बचेंगे? दो घर बचेंगे। यानी तीन में से अगर एक तफरीक करेंगे तो हमें जवाब दो मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए आम है, कितने आम हैं? पांच। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। पांच आम में से अगर हमने तीन आम खा लिए तो, अगर हमने तीन आम खा लिए तो हमारे पास कितने आम बचेंगे? सिर्फ दो। अच्छा, तो हमें यह जवाब को दो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी पांच में से अगर तीन तफरीक कर देंगे तो हमारे पास दो बचेगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए चार गेंद हैं, एक दो तीन चार, चार गेंद हैं। अगर इन चार गेंदों में से दो गेंद गुम गए तो हमारे पास कितने गेंद बचे? दो। यानी चार में से अगर दो हम तफरीक करेंगे तो, दो को निकाल देंगे तो हमें दो हासिल होगा। इसी तरह अगले सफात में आपको भी मसाइल दिए गए हैं, हल कर मुझे ला कर दें।